न बीजेपी नेताओं को खबर न मोदी को थी जानकारी। अचानक से शाह ने जूनियर एनटीआर को बुलाया और कर डाली अब तक की बहुत बड़ी डील। न नायडू बोलेंगे न केसीआर। इधर बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड, उधर सपोर्ट टॉलीवुड हुआ शुरू। तेलंगाना से होने वाली है कमल खिलने की शुरुआत। अमित शाह ने चली ऐसी चाल, केसीआर ओवैसी हो गए चित। बीजेपी कार्यकर्ता फिल्मों के पोस्टर लगाएंगे, एक्टर बीजेपी को साउथ इंडिया जितवाएंगे। केसीआर ने कहा देश से बीजेपी को उखाड़ फेंको, तो अमित शाह ने वहां की जनता से कहा अगले साल सीएम हम बनाएंगे। रविवार को दिन में शाह ने ये बात कही और सोमवार शाम तक जनता ने ये मान भी लिया कि जूनियर एनटीआर तेलंगाना के भावी सीएम होंगे। यही शाह का गेम प्लान था जो सब नहीं समझ पाए। एक ऐसी मुलाकात जिससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता बेखबर थे, खुद मोदी इस बात से अनजान थे और नड्डा तो अपनी ही धुन में मस्त थे। तब तक शाह ने बहुत बड़ी डील कर डाली, वो डील थी तेलंगाना में कमल खिलाने के। द कश्मीर फाइल्स की तरह बीजेपी के कार्यकर्ता साउथ की फिल्मों के पोस्टर लगाएंगे और जूनियर एनटीआर से लेकर अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी जैसे बड़े बड़े एक्टर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन मुलाकात की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि और चार हैं, वो हम आपको बताएं। उससे पहले सुनिए कैसे इस चाल से केसीआर और ओवैसी पस्त हो गए हैं। बीजेपी ने सबसे पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बम्पर जीत हासिल की, फिर पीएम मोदी ने रोड शो किया। उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में रखी गई ताकि बीजेपी की नीतियां वहां की जनता तक पहुंचे। फिर वहां के बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में लेना शुरू किया। मुनगोड़े के विधायक राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में आ गए। अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसके लिए शाह तेलंगाना दौरे पर थे, लेकिन शाह ने एक साथ पूरी फील्डिंग बिछड़ा ली। जूनियर एनटीआर से मुलाकात कर तारीफ की, पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, दादा एनटीआर की तरह सीएम बनाने की बात कही। तस्वीर में जिस तरह से जूनियर एनटीआर और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, उससे कोई अनजान भी बता देगा कि डील पक्की हो गई है। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के मूल के खूब वोटर हैं। जूनियर एनटीआर के दादा एनटी रामा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज भी लोग उन्हें काफी मानते हैं। उन्होंने टीडीपी नाम की जो पार्टी बनाई, आज चंद्रबाबू नायडू उसके सर्वे सर्वा हैं। जूनियर एनटीआर ने भी 2009 में चुनाव प्रचार किया था लेकिन उसके बाद दूर हो गए। इनके पिता राज्यसभा सांसद रह चुके थे और चाचा मौजूदा लोकसभा सांसद, लेकिन ये खुद सियासत से दूर है। अब शाह से मुलाकात के बाद हो सकता है राजनीति में आ जाएं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आदिवासी वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। आरआरआर फिल्म में जूनियर एनटीआर ने आदिवासी भीमा का किरदार निभाया है, जबकि रामचरण ने अल्लूरी सीताराम राजू का। इसलिए शाह ने आरआरआर फिल्म की बधाई के बहाने मिलने को रात में बुलाया, यानी आदिवासी वोटर्स को लुभाने की सियासी चाल भी हो सकती है। हालांकि बात सिर्फ सियासत की नहीं है। इधर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है तो उधर साउथ के हीरो से शाह का मिलना ऐसा दिखा रहा है कि सरकार बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग के पक्ष में आ गई। शाह ने ये तक कह डाला कि बॉलीवुड में पुलिस की गलत छवि दिखाई जाती है, यानी मोदी शाह और योगी सब बॉलीवुड से खफा है। अगर एनटीआर बीजेपी में आ गए तो केसीआर और ओवैसी का वोट बैंक बिखर जाएगा, बीजेपी को उसका फायदा मिल जाएगा। पीएम मोदी खुद चुनाव से पहले कई बॉलीवुड एक्टर्स से मिले हैं, उन एक्टर्स ने लोगों से मोदी के पक्ष में वोट की अपील भी की। अभी शाह जूनियर एनटीआर से मिले, बाद में हो सकता है मोदी भी तेलंगाना जाएं, वहां बड़े बड़े दिग्गजों से मुलाकात करें। अमित शाह ने तेलंगाना में एक और गजब का खेल किया, रामोजी राव से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। रामोजी राव चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार हैं, लेकिन शाह ने मिलकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया। आगे बीजेपी की राह क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन हर नए राज्य में पार्टी ऐसे ही जड़े जमाती है और साउथ में बीजेपी का विस्तार एक्टर के भरोसे ही आसानी से हो पाएगा, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत भी कभी एक्टर्स के भरोसे ही चलती थी। आज भले ही दौर बदल गया, बाकी आपको क्या लगता है, जूनियर एनटीआर भावी सीएम होंगे या फिर सनी देओल की तरह फ्लॉप हो जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।